भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पुनरीक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अब अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा सकता है, जिसके लिए 21 नवंबर को प्रत्येक बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना फोटो लगाकर फार्म 6 को भरकर वोटर बन सकता है। उन्होंने बताया कि अब नए मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घरों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा एडीएम फाइनेंस ने बताया कि सुनो गोरखपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं तथा स्विप के माध्यम से ट्विटर पर भी जानकारी ले सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिला अधिकारी राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, होली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अब जो गोरखपुर के आम नागरिक हैं वो अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास नहीं है वो बनवा सकते हैं। इसके लिए विशेष तिथियां हैं, कल एक विशेष तिथि है। आपसे अनुरोध है कि कल आप अपने नज़दीक के पोलिंग सेंटर पर जाएं, वहां पर मतदाता सूची रखी हुई है, आप अपना स्वयं का, अपने परिवार का, सभी का नाम जरूर चेक कर लें। जिसका नाम उसमें नहीं है उनका नाम जोड़ने के लिए वहाँ पर आपको प्रारूप 6 फॉर्म 6 बोलते हैं वो मिल जाएगा। उसमें आपको अपना एक फोटोग्राफ, एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मतलब जन्मतिथि का प्रमाण और एक आपको पते का प्रमाण देना होगा। हम लोगों ने डिजिटल मीडिया पर भी कई चैनल बनाए हुए हैं, कई साइट्स बनाई हुई हैं, जिनमें से एक सुनो गोरखपुर है यूट्यूब पे। मेरा अनुरोध है SUNO गोरखपुर, सुनो गोरखपुर आप यूट्यूब पे सर्च करें, सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी तरह से ट्विटर पर स्वीप गोरखपुर है, SVEEP गोरखपुर, ये ट्विटर हैंडल है। मेरा अनुरोध है कि आप अपना ट्विटर में अकाउंट खोल लें और यदि आपका अकाउंट है तो स्वीप गोरखपुर को जाकर के फॉलो करें। दोस्तों, मात्र 8-9 दिन का समय शेष है और इसी समय आपका मतदाता पहचान पत्र बन सकता है। एक और अच्छी बात है, अब की बार जो आपका मतदाता पहचान पत्र बनेगा वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधे आपके घर जाएगा। तो कृपया जब भी आप प्रारूप 6 भरें अपना पूरा पता पिन कोड के साथ अवश्य भरें। बहुत बहुत धन्यवाद।